हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। आज हम बना रहे हैं इंदौरी पोहा। इंदौरी पोहा जो है वो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। जनरली आप इसे ऑन स्ट्रीट फूड में खाते ही रहते होंगे। इसे कुछ लोग कांदा बटाटा पोहा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस है और ये बहुत ही झटपट बन जाती है। ये इस डिश की स्पेशलिटी है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा बनाने के लिए हमने 2 कप पोहा लिया है और ये हमने पोहे के लिए मिक्सचर नमकीन ली है। सेव, 2 से 3 बड़े प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 2 से 3 बड़े टमाटर को हमने बारीक काट लिया है। 1 छोटी हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। 2 चम्मच चीनी और 2 थोड़े से पीनट्स, कच्ची मूंगफली के दाने। और ये जो है ये पोहा बनाने के लिए मिक्सचर है, ये बाज़ार में डायरेक्टली भी अवेलेबल है जीरावन के नाम से, और अदरवाइज़ ये पोहा के पैकेट में भी अवेलेबल होता है। और ये हमने लिया है 1 बड़ी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच राई या सरसों के दाने, 1 छोटी चम्मच हल्दी, धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, और ये मीठा नीम के पत्ते और नींबू। और पोहा बनाने के लिए तेल और पोहे को वॉश करने के लिए पानी लिया है। तो चलिए आइए पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा बनाने में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम पोहे को वॉश करेंगे। इसके लिए मैं पोहे को इस बास्केट में ले रही हूँ और इसमें हम पूरा पोहे को भिगो देंगे। मार्केट में जो है वो बहुत सारी क्वालिटीज़ का पोहा अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा पोहा पतले वाला लेते हैं तो उसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप डायरेक्ट टैप के नीचे वॉश कर दीजिए। ये जो मैंने लिया है ये थोड़ा मोटा पोहा है, थोड़ा थिक है ये, तो इसे आप 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भिगो के रखिए तो अपने आप से सॉफ्ट हो जाएगा। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भिगा हुआ रहने दूंगी। 2 से 3 मिनट हो गए, हम पोहे को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। आप देखेंगे कि कितना पानी का जो कलर है वो चेंज हो गया, पोहे की सारी मिट्टी निकल गई है। और अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे। ये बास्केट मैंने कहाँ से ली और कितनी यूज़फुल है ये, इसकी यूज़ मैंने अपनी एक अनदर वीडियो में दिखाए हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। जो पोहा है वो अच्छे से वॉश हो गया है। अब हम इस पोहे में 1/4 नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। इससे जो नमक मिर्च है वो मसाला जो है वो पोहे में अच्छे से मिक्स हो जाता है और पोहे फीके नहीं लगते। अभी जो पोहे हैं वो थोड़े गीले हैं, जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे तब तक ये अपने आप से सॉफ्ट हो जाएंगे और सूख जाएंगे। तो आइए इसका मसाला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच तेल यूज़ करेंगे। पोहा बनाने में ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम मूंगफली के दाने डालेंगे और इन्हें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा देर फ्राई किया तो मूंगफली कड़वी लगने लगेगी। ये जो मूंगफली है ये फ्राई हो गई है, अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी तेल को पोहा बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल के उसे अच्छे से गर्म करेंगे। तेल के गर्म होने पर हम इसमें राई डालेंगे। जब राई के दाने इस तरह से तिड़कने लगें तो हम इसमें मीठा नीम भी डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। थोड़ा भूनेंगे। हम इसमें
हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, नहीं तो हल्दी का कच्चापन आएगा इसमें। और इसमें थोड़ा नमक भी डाल देंगे, जैसे प्याज जो है वो जल्दी भुन जाएंगे। प्याज जो है वो थोड़े भुन गए हैं, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मसाला थोड़ा फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। प्याज और टमाटर को जो है वो ज़्यादा अच्छे से वो नहीं करना है फ्राई, उसे थोड़ा कच्चा ही रखेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। ये जो प्याज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक चीनी के मेल्ट होने तक मिला लेंगे। ये हमारा मसाला जो है वो बनकर रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। हम देखेंगे कि पोहा जो है वो बहुत ही खिला खिला बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। मसाले को पोहे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा नींबू डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप नींबू ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसमें धनिया पत्ता भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये रोस्टेड पीनट्स भी मिक्स कर देंगे। ये हमारा परफेक्ट इंदौरी पोहा बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं। ये हमारा पोहा जो है हमने सर्व कर लिया है, और इतनी क्वांटिटी से हमने ये 2 फुल प्लेट पोहा बना लिया है। अब हम इसे गार्निश करते हैं। गार्निश के लिए ये मैंने जो पीनट्स फ्राई किए थे उसमें से कुछ रखे हुए थे, जो वो हम इसमें गार्निशिंग में यूज़ कर रहे हैं, और इसके ऊपर डालेंगे हम ये पोहा मसाला। ये जो मसाला है ये अमचूर, जलजीरा और 1-2 इंग्रेडिएंट्स और हैं इसमें, उसको मिलाकर बनाया गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ऊपर से कच्चे टमाटर, और कच्चा प्याज जो पोहे के पूरे टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। और अब हम इसमें ये नमकीन यूज़ करेंगे। और इसके ऊपर डालेंगे हम सेव, जिसके बिना पोहा इनकम्प्लीट है, स्पेशली जो इंदौर का पोहा है। और ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा धनिया पत्ती, थोड़ा सा इसमें मसाले को टैंगी फ्लेवर देने के लिए नींबू डालेंगे। ये जो हमारा पोहा है वो रेडी है।
फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप जो है पोहा वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं, तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और उसकी इमेजेस जो हैं वो मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे फेसबुक पेज पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।